गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ 7.1 तो क्या है क्वेश्चन टू नंबर्स आर इन रेशियो इफ द डिफरेंस बिटवीन नंबर्स इज 96 फाइंड द नंबर्स कहा है कि दो नंबर है जो रेशियो में प्रेजेंट है 20 एंड 26 के और दोनों का जो डिफरेंस है वो 96 है सो हमें वो नंबर फाइंड करना है सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सिंस द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज ट्वेंटी रेशियो ट्वेंटी सिक्स कैन टेक ट्वेंटी एक्स एंड ट्वेंटी सिक्स एक्स सो द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज क्या लिखेंगे ट्वेंटी सिक्स एक्स माइनस ट्वेंटी एक्स इजिकल टू नाइन्टी सिक्स अब जब हम ट्वेंटी सिक्स से ट्वेंटी को माइनस करेंगे तो क्या आएगा सिक्स एक्स सो हम क्या लिखेंगे सिक्स एक्स इजिकल टू नाइन्टी सिक्स अब यहां क्या है ये मल्टीप्लाई पोजिशन में है तो यहां पर क्या हो जाएगा ये सिक्स से डिवाइड हो जाएगा सो so, हम क्या लिखेंगे एक्स इजिकल टू नाइन्टी सिक्स बाय सिक्स जब हम 96 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या 16। तो x की वैल्यू कितनी हुई 16। सो फर्स्ट नंबर क्या होगा 26x। सिक्स so, सो हम क्या करेंगे 26 के साथ x की वैल्यू की मल्टीप्लाई कर देंगे x की वैल्यू को सो so, 26 और 16 को मल्टीप्लाई करने से क्या होता है सो so, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा नेक्स्ट क्या आएगा सेकेंड नंबर सेकेंड नंबर क्या है ट्वेंटी सो ट्वेंटी मल्टीप्लाई सिक्सटीन जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है थ्री हंड्रेड ट्वेंटी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इफ टू एजिकल टू फोर बी इजिकल टू फाइव सी फाइन ए रेशियो बी रेशियो सी सो सबसे पहले टू ए इजिकल टू फोर बी इजिकल टू फाइव सी सो हम मान लेते हैं कि इसके इक्वल एक और वैल्यू है जो है के सो so, टू एजिकल टू फोर बी इजिकल टू फाइव सी इजिकल टू के डेयर फोर हम जब टू ए इजिकल टू के करते हैं सो क्या ए इजिकल टू के बाय टू देन जब हम फोर बी इजिकल टू के सॉल्व करते हैं डेयर फोर बी इजिकल टू के बाय फोर देन सी इजिकल टू के बाय फाइव अब हम टू फोर और फाइव का एल्सियम निकाल लेते हैं सो टू फोर और फाइव का एल्सियम कितना होता है ट्वेंटी सो so, हम यहां साइड में लिखते हैं एल्सियम इजिकल टू ट्वेंटी देन सबसे पहला नंबर जो है ए इजिकल टू के टू सो के बाय टू को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ट्वेंटी से सो so क्या प्राप्त होगा टू टाइम ट्वेंटी सो ए इज इकल टू क्या हो जाएगा टेन देन बी इज इकल टू के बाय फोर को मल्टीप्लाई करते हैं ट्वेंटी से सो so, फोर के डिबल ट्वेंटी का आता है फोर फाइव जा ट्वेंटी सो बी इज इकल टू क्या हो जाएगा फाइव देन सी इज इकल टू के बाय फाइव मल्टीप्लाई ट्वेंटी सो फाइव फोर जा ट्वेंटी सो सी इज इकल टू क्या हो जाएगा फोर ए रेशियो बी रेशियो सी के लिए हम क्या ले सकते हैं टेन रेशियो फाइव रेशियो फोर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है थ्री नंबर्स आर इन रेशियो टू रेशियो थ्री रेशियो फोर एंड सम ऑफ दिस नंबर इज सेवन हंड्रेड ट्वेंटी फाइंड द नंबर्स तो तीन नंबर दिए हैं जो टू थ्री और फोर के रेशियो में दिया है और कहा है कि उनका सम जो है वो सेवन हंड्रेड ट्वेंटी है सो so, हमें वो नंबर फाइंड करने हैं। सो so, सबसे पहले क्या लिखेंगे सिंस द रेशियो ऑफ द थ्री नंबर इज टू रेशियो थ्री रेशियो फोर वी कैन टेक टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स दैट इज टू एक्स रेशियो थ्री एक्स रेशियो फोर सॉरी फोर एक्स द सम ऑफ थ्री नंबर इज क्या हो जाएगा टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर एक्स इजिकल टू सेवन हंड्रेड ट्वेंटी सो टू प्लस थ्री एंड प्लस फोर क्या हो जाएगा नाइन एक्स इजिकल टू सेवन हंड्रेड ट्वेंटी देन यहां मल्टीप्लाई पोजिशन में तो यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड सो एक्स इजिकल टू सेवन हंड्रेड ट्वेंटी बाय नाइन जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा so, नाइन 80 सेवन ट्वेंटी सो एक्स की वैल्यू क्या एटी सो फर्स्ट नंबर क्या था टू एक्स सो देन फर्स्ट नंबर टू एक्स विच इज टू मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू क्या है एटी जब हम टू से एटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वन हंड्रेड सिक्सटी द सेकेंड नंबर इज थ्री एक्स सो थ्री मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू क्या है एटी सो थ्री मल्टीप्लाय एटी इज इक्वल टू टू हंड्रेड फोर्टी द थर्ड नंबर इज four x सो four multiply eighty फोर और एटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा थ्री हंड्रेड ट्वेंटी सो फर्स्ट नंबर वन सिक्सटी सेकेंड नंबर टू हंड्रेड फोर्टी एंड थर्ड नंबर थ्री हंड्रेड ट्वेंटी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इफ टू नंबर आर इन रेशियो टेन रेशियो थर्टीन एंड द डिफरेंस इज थर्टी थ्री वॉट आर द टू नंबर तो दो नंबर दिए हैं रेशियो में प्रेजेंट किया है टेन एंड थर्टीन और उनका डिफरेंस क्या है थर्टी थ्री सो हमें वो नंबर फाइंड करने हैं सबसे पहले हम लिखेंगे सिंस द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज टेन रेशियो थर्टीन वी कैन टेक टेन एक्स एंड थर्टीन एक्स द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज क्या हो जाएगा टेन सबसे पहले थर्टीन एक्स लेते हैं थर्टीन एक्स देन माइनस टेन एक्स टू थर्टी थ्री थर्टीन से टेन को माइनस करेंगे तो थ्री एक्स टू थर्टी थ्री अब हम क्या करेंगे x इज इकल टू थर्टी थ्री बाय थ्री सो जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा थ्री इलेवन से थर्टी थ्री सो आंसर क्या आएगा x की वैल्यू क्या आएगी इलेवन सो फर्स्ट नंबर इज फर्स्ट नंबर क्या था टेन एक्स सो x मल्टीप्लाई टेन की वैल्यू क्या है सॉरी टेन मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू क्या है इलेवन सो टेन इलेवन से क्या हो जाएगा वन हंड्रेड टेन सेकेंड नंबर इज थर्टीन एक्स सो थर्टीन मल्टीप्लाई इलेवन थर्टीन और इलेवन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वन हंड्रेड फोर्टी थ्री इसी तरीके से नाइन नंबर और टेन नंबर का क्वेश्चन आपको सेल्फ सॉल्व करना है